It really matters when I see this crowd कि कैसे मैम ने भी बताया कि from no it was not 25 it was 17 students in first year और how we are progressing them. First of all I would like to extend my heartfelt gratitude to all the invited guests from our private school association governing body sitting in the front row. Thank you so much sir for coming to the function and accepting our invitation. Thank you very much. And then of course all the invited guests, today is your day. और जिस स्पीड से आप देख रहे हैं कि स्कूल प्रोग्रेस कर रहा है, हम सबके साथ एक माँ का प्यार है. देखो हमने सरस्वती माता का मंदिर 2015 में हमने यहाँ बनवाया था, उसके बाद से बट हमारे स्कूल के ऊपर ब्लैक थिंग्स दो दो माओ की है, एक डायरेक्टर मैम की है सुरक्षा मैम की और दूसरा सरस्वती माता का आशीर्वाद है. तो जिस स्कूल के ऊपर दो दो माओ का आशीर्वाद हो, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दैट इंस्टीट्यूशन कैन ग्रो, उसकी हाइट नो वन कैन मेजर और प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ यू. हमारे बच्चे प्रूफ हैं कि वो कहीं भी जाए द वे वी डिजाइन डियर करिक्यूलम आई थिंक दिस जस्ट मेक्स अ होल डिफरेंस. रेस्ट वो पढ़ाई है, ए टू जी मैं हमेशा कहता हूँ, एक से सौ तक गिनती सब कुछ वही है. What makes the difference? The way we take the curriculum, that only makes the difference. Parents को लगता है ये तो बड़ा टॉपर है बच्चा और वो एक रोल मॉडल बनता है बाकी सब पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए. मुझे लगता है कि फिर घर में जो उन बच्चों के साथ टॉर्चर होता है, तो मैं आज बच्चों का रिजल्ट ये है, मैं यही कहता हूँ कि मार्क्स हालांकि एवरीवन सेज दीज वर्ड्स और ये कहीं ना कहीं बिटर ट्रूथ है, आप एज अ पेरेंट जानते हैं, इवन मैं भी एज अ पेरेंट जानता हूं कि मार्क्स सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर ही होते हैं, आपके फोरहेड पे नहीं होते, एम आई राइट? मार्क्स सिर्फ प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर ही हैं, फिर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर कर पड़ते हैं एक टाइम में. When parents come to me in playgroup in nursery, they always say, नहीं नहीं सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा बस अच्छे से काम करे. जैसे जैसे बच्चा स्टार्ट कमिंग टू द फॉर्मल स्कूल एंड ग्रेड वन टू, इट रियली मैटर्स टू देम. मैंने आज ही कहीं पढ़ा था कि देखो स्कूल का काम है टू मेक चाइल्ड जस्ट हाउ टू थिंक, हाउ टू रीड एंड राइट, दैट्स इट, रेस्ट ही विल डू इन हिज लाइफ. दिस इज ट्रूथ. बच्चे इतने एडवांस है आज के टाइम में, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिकम्स द थीफ ऑफ जॉय, एवरीवन नोज दिस थिंग. आप, मैं ये चाहता हूं कि आज आपके बच्चों के मार्क्स जरूरी नहीं है, किसी के ग्रेडिंग सिस्टम है, बी भी आएगा सी भी आएगा, कोई शायद किसी सब्जेक्ट में रह भी जाएगा, तो मैं चाहता हूं उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए. मैंने आज स्टोरी पढ़ रहा था गूगल के ऊपर बहुत सारे लोगों की जो ड्रॉप आउट हुए हैं अपने स्कूल टाइम में और उन्होंने इतने महान काम किए हैं. मैं आज वो सारी हिस्ट्री पढ़ रहा था, मैं कहता हमारे पेरेंट्स आज बड़े कॉन्शियस होके आएंगे और कुछ बच्चे तो सेलिब्रेट करेंगे और बहुत बच्चे ऐसे होंगे बस आज उनको झाड़ पड़ने वाली है घर जाके. तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, आपके बच्चों के मार्क्स कैसे भी हों, ग्रेड कितने भी हों, आपको अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करना है. बी पॉजिटिव. हमारा काम उनको मोटिवेट करने का है, डिमोटिवेट करने का नहीं है. और ये आप भी डिसाइड नहीं कर सकते कि आज मार्क्स कम है तो फ्यूचर में क्या होगा, नो वन नोज द फ्यूचर. हमारा काम है उनको असिस्ट करना, उनके इंटरेस्ट को जानना एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, वो किस चीज में अच्छे हैं उन्हें उसी चीज में पुश करना. जरूरी नहीं है कि साथ में किसी फ्रेंड का बच्चा 95 पे है तो मुझे भी 96 ही चाहिए बच्चे से. तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ वो प्रेशर बच्चों के ऊपर से कम हो जाए और मैं चाहता हूँ सभी पेरेंट्स
न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ें। ये पॉलिसी सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, ये पॉलिसी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये पॉलिसी आप लोगों के लिए है, आपके बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट होने वाली है। तो मैं चाहता हूं आप सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ें और समझें कि उसमें क्या बातें की गई हैं। और मैं कुछ अपकमिंग प्लान्स हैं स्कूल के, जस्ट आई विल नॉट बी टेकिंग मच टाइम ऑफ योर्स, जस्ट मैक्सिमम 5 मिनट्स। अपकमिंग प्लान्स हैं स्कूल के, आई विल बी शेयरिंग विद यू। स्कूल इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस फ्रेंच एज थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम ग्रेड 5 दिस ईयर। ग्रेड 5 टू ग्रेड 8 इट विल रिमेन। नाउ यू विल बी हैविंग 3 लैंग्वेज ऑप्शंस आफ्टर हिंदी एंड इंग्लिश। आपके पास पंजाबी संस्कृत के साथ फ्रेंच भी होगी, दैट इज अप टू यू। यदि बच्चे के पास 7th में सपोज करो पंजाबी थी या संस्कृत थी, दैट चाइल्ड ऑल्सो कैन कॉप अप इन ग्रेड 8। दिस वॉज स्पेशली आस्क्ड फ्रॉम द एक्सपर्ट, क्या वो बच्चा कॉप अप कर सकता है? डेफिनेटली दैट चाइल्ड ऑल्सो कैन कॉप अप विद द लैंग्वेज, एंड एवरी वन नोज इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और बहुत जगह बच्चे के आगे फ्यूचर में काम आने वाली है। सेकेंड थिंग, हम इस बार कंप्यूटर्स के अंदर बुकलेस कॉन्सेप्ट है ग्रेड 1 से। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस कोडिंग प्लस बेसिक कंप्यूटर। बच्चों के पास कंप्यूटर की बुक्स नहीं होंगी और 3 डेज इन अ वीक बच्चों के लेक्चर्स होंगे कोडिंग लैब में। और इस बार जो हमने करिकुलम लिया है, दैट इज ICT 360। आपको पता है AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है, और आज के टाइम में आप PhD कर लीजिए, आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, इफ यू आर नॉट IT लिटरेट तो आप इलिटरेट ही समझे जाएंगे। आप कहीं भी देख लीजिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, इवन जो वहाँ पे नियर बाय अभी रिटायरमेंट पहुँच गए हैं वो लोग भी अपने आप को IT ट्रेन कर रहे हैं। तो मेरी यही एक हमारा विजन है स्कूल का कि बच्चा फ्यूचर में हम उस तरह की एजुकेशन दें जो पर्पसफुल हो और मीनिंगफुल हो। ये नहीं कि कितने सब्जेक्ट हमने पढ़े आज हमें कुछ नहीं उनके बारे में मालूम, लाइफ में तो कुछ और ही काम आता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि सिलेबस के साथ साथ अभी आपने जो प्रोजेक्ट्स देखे हैं, ये जो एम्पैथेटिक अप्रोच है बच्चों के अंदर, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, ये सब चीज़ें कैसे आएंगी? ये क्लास में पार्ट पढ़ाने से नहीं आती, ये कोई लेक्चर देने से नहीं आती, ये मैं कोई डेक्लेमेशन कॉम्पिटिशन में टॉपिक देकर, तो योर चाइल्ड विल नॉट बी यू नो लर्निंग द मेन एसेंस ऑफ द आइडिया, मेन आइडिया। तो उसके लिए तो चाइल्ड हैज टू गो थ्रू इट। दिस इज द ओनली रीजन स्कूल इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट फ्रॉम ग्रेड 3। ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होगा। एवरी क्लास विल बी हैविंग 1 डिजाइन थिंकिंग प्रोजेक्ट दिस ईयर, तो वी विल बी कवरिंग दैट इन दिस होल ईयर। आपको बता दिया जाएगा किस क्लास में कैसे होगा। थर्ड थिंग, हैंड राइटिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कंप्लेन लेकर, तो हमने इस बार स्पेशल एक हैंड राइटिंग कोच ही एक्सपर्ट स्कूल में हायर किया है, और ग्रेड 3 टू ग्रेड 8 इन बच्चों की क्लासेस लगेगी 1 इन अ वीक, और नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट एक कोच स्कूल ने अपनी टीम में शामिल किया है, और अब आपके बच्चे की 1 इन अ वीक हैंड राइटिंग क्लास और एक अलग से नोट्स मिलेंगे, एंड यू विल बी सीइंग रिमार्केबल चेंज। सभी की एक जैसी नहीं होगी, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, लेकिन जो उसकी बेस्ट हो सकती है अपने स्टाइल में वो उसकी बेस्ट हो जाएगी, दैट इज माय गारंटी विद इन 1 ईयर। आप नेक्स्ट ईयर पेरेंट्स से फीडबैक भी लीजिए जिनके बच्चे अभी छोटी क्लासेस में। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट गेट दैट टाइम, बट फॉर्चुनेटली नाउ इस 21st सेंचुरी में वी हैव ऑप्शन इन गेटर, एंड वी आर देयर, वी अंडरस्टैंड द नीड ऑफ रीडिंग, और उसी लिए हमने इस बार रीडिंग क्लब वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन स्कूल। और रीडिंग क्लब में आपके बच्चे रजिस्टर हो जाएंगे ग्रेड 1 से। आपके बच्चों की जो बुक्स की किट्स हैं उसमें आपकी बात ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स 2 to 3 एक्स्ट्रा बुक्स हमने ऐड की हैं हर किट के अंदर। वो बच्चा 1 इन अ वीक लाइब्रेरी में जाएगा और लाइब्रेरी में थरली रीडिंग भी करेगा, देन चाइल्ड विल गिव प्रेजेंटेशन आल्सो। लास्ट ईयर जिन ये बच्चे पढ़ रहे हैं अभी 1 to 8 में, यू कैन आस्क एज फॉर योर चाइल्ड, उनको भी लास्ट से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं लाइब्रेरी में प्रेजेंटेशन की और रीडिंग की, यू कैन टॉक टू देम। और जो रीडिंग क्लब है उसका प्रोग्रेशन कैसे रहेगा पूरा साल, इसके लिए हम आपको बता देंगे इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। नेक्स्ट इज NEP इम्प्लीमेंटेशन। ऑफकोर्स ये सुनने में आ रहा है कि NEP 2025 में 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगी, बट यू विल बी ग्लैड टू नो दैट योर चाइल्ड इज स्टडी
in that school where already it has been implemented. हम ऑलरेडी इस पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड अपकमिंग सेशन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 6 to 8 10 बैचेस डेज और 3 इयर्स में वो 10 बैचेस डेज 30 हो जाएंगी 6 to 8 और जो भी एनईटी बातें कर रही है 80 to 90% एनईटी माइलस्टोन स्कूल फॉलो करेगा इस अपकमिंग सेशन में।